हेलो फ्रेंड्स, वेलकम स्टार्ट विद रोशन गुप्ता। और मैं रोशन गुप्ता हाजिर हूँ आपके लिए। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पॉलिटेक्निक और गवर्नमेंट जॉब के बारे में। यदि आपने पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा कर रखा है तो आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं या नहीं, या फिर इसके क्या चांसेज है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने पॉलिटेक्निक या गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा है तो आपके पास गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यानी कि अगर आपने पॉलिटेक्निक कर रखा है तो गवर्नमेंट जॉब लेने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसे हम पूरी वीडियो में जानने वाले हैं। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको आपके करियर से रिलेटेड और बहुत सारी स्टडी से रिलेटेड जानकारियां मिलती रहती है। और अगर आपको एक पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं तो हमारे चैनल पर बहुत सारी उसकी स्टडीज की वीडियो है, आप जाइए उन्हें देखिए और पॉलिटेक्निक के बारे में बहुत सारी जानकारी आप इकट्ठा कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नॉर्मली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पॉलिटेक्निक करने के बाद प्राइवेट सेक्टर की ओर जाना चालू कर देते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स पॉलिटेक्निक करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाएं। सो अगर आप पॉलिटेक्निक करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहते हैं तो ये आपके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पॉलिटेक्निक के बाद कॉम्पिटिशन बहुत कम हो जाता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट में गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, लेकिन अगर आपने पॉलिटेक्निक कर रखा है तो कॉम्पिटिशन बहुत कम होता है। और ऐसा मैंने आपको बताया, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्राइवेट सेक्टर की ओर जाना चालू कर देते हैं। कोई भी गवर्नमेंट जॉब के बारे में उतना ज़्यादा सोचता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उनके 3 साल जा चुके होते हैं, तो वो सोचते हैं कि हम प्राइवेट में ही चले जाते हैं। बट अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाते हैं तो बहुत आसानी से आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है और आप अपनी लाइफ सेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि आप ऐसा किस किस तरीकों से कर सकते हैं, मतलब कौन कौन सी ट्रेड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी जॉब आपको मिल सकती है। तो जो मोस्ट रिक्वायर्ड ट्रेड है वो है आपकी सिविल इंजीनियरिंग। आपने सुना भी होगा, मतलब अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नॉर्मली जो ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब निकलती है उसमें सिविल इंजीनियरिंग की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सिविल इंजीनियरिंग, और भी ट्रेड्स हैं। सेकेंड है मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये दोनों इक्वल है। अगर आपने दोनों में से कोई एक भी कर रखा है तो इसमें भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आती है गवर्नमेंट में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगर आपने बीटेक कर रखा है तो भी आपके पास चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो ये आपके पास स्ट्रेंथ है कौन कौन से, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगर आपने ये कर रखे हैं तो गवर्नमेंट जॉब आप बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। और अगर अभी तक आपने पॉलिटेक्निक नहीं की है और आप अगर पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो प्लीज़ इन्हीं ट्रेड से कीजिए, ये बेस्ट ट्रेड है। अब आते हैं आपको किस किस टाइप की गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। तो पहला है SSC JEE, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जूनियर इंजीनियरिंग। अगर आप SSC JEE द्वारा क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। ये जो SSC JEE है बहुत सारे इंजीनियरिंग के लिए जॉब की रिक्वायरमेंट निकालती रहती है। सेकेंड है HSSC, मतलब हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसमें भी बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग के लिए रिक्वायरमेंट आती रहती है, सिविल के लिए, मैकेनिकल के लिए। उसके बाद है थर्ड इंडियन एयरफोर्स में भी आपको बहुत सारे आपको जो जॉब्स है वो निकलती रहती हैं, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए। इसमें ज़्यादातर मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के जॉब आते रहते हैं। उसके बाद है रेलवे RRB JEE, यानी कि रेलवे के बारे में तो आप जानते ही हैं, रेलवे ज़्यादातर इंजीनियरिंग के निकालता है। अगर इसमें अपने ITI कर रखी है तो भी आपको रेलवे में जॉब मिलने की चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। लास्ट है हमारा AAI, मतलब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के साथ साथ एक और ट्रेड है जो इसमें रिक्वायरमेंट होती है, वो है कंप्यूटर साइंस। अगर आपने या कंप्यूटर साइंस कर रखी हो, सिविल इंजीनियरिंग कर रखी हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखी हो, तो आप इन सारे जॉब्स को ले सकते हैं, आपके हाथों में है ये जॉब। यानी कि बहुत कम कॉम्पिटिशन होता है, हल्की सी स्टडीज़ के बाद आप आसानी से गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद में आया हो। और अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो बहुत सारी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड वीडियोस हैं, बेस्ट ट्रेड कौन से हैं, कौन से कॉलेज में आपको एडमिशन लेना चाहिए और पॉलिटेक्निक क्या है, क्या सिलेबस है, सबकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वीडियो के एंड में मिल जाएगी। सो प्लीज़ फ्रेंड, कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और मिलते हैं न्यू वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ।